तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए मेन गेट पे। देखो मैं आपको सारी चीजें कल से यहीं आए और सभी बाबा की कथा का आनंद लें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वो चीजें सिखाई जाती है ना जो आपको और कहीं नहीं मिलती। जय बजरंगबली दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार की। तो दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और आज है ना अलवर वासियों के लिए एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज 5 से 8 अक्टूबर तक जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी कथा है अलवर में 5 से 8 अक्टूबर। तो हम सुबह सुबह रेडी हो गए, मैं और युगल। वैसे तो हम अलवर जब भी रहते हैं ना तो उठते हैं 8-9 बजे के आसपास, लेकिन आज हम 6 बजे उठ गए थे रेडी वेडी होके और धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अब क्या, सुबह सुबह तो हम जा रहे हैं सिर्फ आपको लोकेशन दिखाने के लिए कि अलवर में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो कहाँ पे अपनी कथा करेंगे, आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। और दोस्तों क्या कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो करते हैं ये वो करते हैं, पाखंड है ये है, झूठ बोलते हैं वो है, लेकिन मैं एक बात मानता हूं दिल से कि जो भी संत महात्मा जो खुले मन से हिंदुत्व का सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है, उनके बारे में कोई ऐसी बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो हिंदू धर्म का प्रचार करेगा वो संत महात्मा हमारे लिए पूजनीय है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वहां जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसलिए मैं सबसे पहले जा रहे हैं कि भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप अपनी। मैं बता रहा हूँ कि जो अभी मैं अलवर में आ रहे हैं वो आ रहे हैं लोहिया का तिवारा, जो कि अलवर से पड़ता है लगभग 15 किलोमीटर दूर के आसपास, क्योंकि अलवर सिटी में तो इतनी बड़ी व्यवस्था करना पॉसिबल था नहीं, तो लोहिया का तिवारा पे की है। तो अलवर से अगर आप आ रहे हैं और या फिर राट क्षेत्र से आप आ रहे हैं, जैसे कि बैरोड, मुंडावर, अलवर, बानसूर और नीमराणा, सांझापुर, किशनगढ़, तिजारा, भिवाड़ी, इस साइड से अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आइए अलवर शहर में, या फिर आप बाईपास लेके सीधा निकल जाइए लोहिया का तिवारा जो हनुमान सर्किल होते हुए जाएगा। दूसरी बात, अगर आप भरतपुर साइड से आ रहे हैं, कामा, डीग, खेड़ली, आप वृंदावन, मथुरा, इन जगह से अगर आप आ रहे हैं, मतलब इस एरिया से मोटा मोटा जो जगह मैं जानता हूँ वो बता रहा हूँ, तो आप सीधा ही है ना रास्ते में आएंगे तो जो लोहिया का तिवारा है वो अलवर भरतपुर रोड पे पड़ता है, बक्तल की चौकी से थोड़ा सा पहले 3 किलोमीटर आगे, तो आप वहीं पे जाके रुक जाइए। और साइड में जैसे आप दूर से देखेंगे तो 5 किलोमीटर पहले से बाबा का पंडाल दिख जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी, बाकी अब चलते हैं और वहां पे मैं आपको सारी कथा का वो दिखा देता हूँ कि कितने टाइमिंग वगैरह भी मेरे को पता नहीं है, मैं भी वहां के जाके बता दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक कथा करेंगे बाबा। बाकी मिलते हैं आपसे सीधा वहीं, आपको लोकेशन दिखा देते हैं, तो मिलते हैं आपको सीधा। जय बजरंगबली दोस्तों, तो अभी हम पहुंच गए हैं कथा का जो पंडाल लगाया गया है ना उसके पास में ही, तो अभी एक बार अंदर चलते हैं आपको सारी चीजें दिखाते हैं, आपको दिखने भी लग गया होगा पंडाल। और भाई बाबा आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा पंडाल तो लगेगा नहीं, कम से कम 5-7 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और बहुत एक बड़े एरिया में, मैं आपको साइड से दिखाऊं, देखो एक बहुत बड़े एरिया में है ना जो पंडाल लगाया गया है। बाकी पीछे आपको, ये तो मेन रोड से है, पीछे देख थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर बाकी अंदर चल के अभी आपको सारी चीजें दिखा देंगे और मैं आपको मेन पंडाल दिखा देता हूँ। मेन पंडाल भाई आने वाला है जहाँ पे बाबा कथा करेंगे अपनी। और एक बार सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको है ना टाइमिंग और बता दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक कथा चला करेगी रोज डेली, वो सारी चीजें अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अन्नपूर्ण के बहुत सारे शिविर लगा रखे हैं और यहाँ पे लोगों ने क्या है, जैसे कि आप अगर आओ बाहर से आ रहे हो ना तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे निःशुल्क लोगों ने अपने लिए खाने की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, प्रॉपर खाने की व्यवस्था है, तो उसकी कोई टेंशन ना लें, सिर्फ आए। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि जो दिव्य दरबार यहाँ पे 5 से 8 अक्टूबर तक जो अलवर में लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि 6 अक्टूबर को सबसे पहले प्रातः 7 बजे से जो झांकी है ना कलश यात्रा उसका शुभारंभ होगा और वो कलश यात्रा का प्रोग्राम रहेगा। बाकी 7 अक्टूबर को जो है वो हनुमत कथा होगी 4:30 बजे से, और 8 अक्टूबर को जो मैं बात करूं तो वो दिव्य दरबार जो है ना वो 8 अक्टूबर को लगा गया प्रातः 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो टाइमिंग का दोस्तों विशेष ध्यान रखें और सही समय पर अपने पहुंच जाएं। तो मिलते हैं सीधा आपसे अभी अंदर, मैं आपको पंडाल दिखा देता हूं। दोस्तों सारी चीजें बहुत भयंकर व्यवस्था यहाँ पे की गई है, बहुत तगड़ा जो इन्होंने खर्चा किया है, मैनेजमेंट है ना उनका काबिले तारीफ है। तो चलो मिलते हैं सीधा पंडाल में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए मेन गेट पे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाईवे है और हाईवे से है ना बिल्कुल सटके ही मेन गेट है। तो अभी चलते हैं अंदर और जो कथा है ना वो 6 तारीख से होगी, कलश यात्रा भी 6 तारीख से होगी, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पूरा पंडाल लगाया गया है पीछे बहुत बड़ा, वो अभी आपको अंदर चल के दिखा दिया जाएगा।
मैं अभी आपको अंदर चल के दिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं अब सीधा अंदर, बाकी मेन गेट से एंट्री है, इधर हाईवे के बिल्कुल साइड में ही है, तो सीधा चलते हैं अपन, मिलते हैं सीधा अंदर। आपको मैं पूरा पंडाल, बैठने की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें और दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ना पंडाल के अंदर, हमने परमिशन वगैरह सारी ले ली है कि हम वीडियो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं। आप स्टेज पर नहीं जाके आप कहीं का वीडियो बना लो, मैं आपको दिखा देता हूँ बैठने की व्यवस्था। और ये हमारे बजरंगबली जो सबसे ऊपर विराजमान है, बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखो कितना बड़ा पंडाल है वैसा, पूरा है ना, एक वीडियो में तो आएगा भी नहीं, इतना बड़ा पंडाल बनाया है। देखो आप, देखो कितना बड़ा पंडाल है। और जो कल से है ना कथा शुरू होगी, आज है 5 तारीख, 6 तारीख से है ना सबसे पहले ध्वज यात्रा शुरू होगी, उसके बाद से है ना कथा शुरू होगी। तो आप देखो कितना बड़ा पंडाल है, आप जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी ना वहाँ वहाँ तक सारा पंडाल ही है। ये देखो पूरा, और उस साइड में भी है बहुत सारा है, बाकी यहाँ पे शायद वो सामने जो है ना वो, देखो मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। वैसे स्टेज पर जाने के लिए उन्होंने मना किया है, तो ये जो स्टेज है ना यहाँ पे बैठेंगे हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो सनातन धर्म की जय, हिंदुत्व की जय, सबसे पहले देश उसके बाद धर्म फिर जाति, अगर ज़रूरी हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी मैं आपको देखो रेलिंगों के पास में चल के दिखा देता हूँ एक बार सारी चीज़ें। कल से यहीं आए और सभी बाबा की कथा का आनंद लें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वो चीज़ें सिखाई जाती हैं ना जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। जो हमारे ऊपर देखो कितनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, अरे यार यहाँ पे है ना अगर पंखा और लगा देते तो मज़ा आ जाता। बाकी देखो चारों तरफ पंडाल ही पंडाल है, और ये मतलब ये मान लो आप कम से कम मैंने तो 5-7 लाख लोगों के बैठने की उन्होंने प्रॉपर व्यवस्था की है, और व्यवस्थाएँ भी बहुत अच्छी की हैं। तो चलो मिलते हैं कल आपसे वीडियो में, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। बस अभी तो क्या है, कल से कथा शुरू होगी, तो आज पूरा पंडाल खाली पड़ा है। ये देखो बाकी सामने स्टेज होगा इस साइड में, और ऊपर देखो ये पूरा सिस्टम इन्होंने, देखो ये देखो यहाँ से आप लास्ट में जाके ये देखो। तो दोस्तों चलो कल मिलते हैं यहीं से आपको, और बनाते हैं बाबा का सारा चीज़, दिखाते हैं आपको कल से यात्रा। मैं आपको एक बार स्टेज और दिखा दूँ नज़दीक से जाके, ये देखो स्टेज है बाबा का जहाँ से कथा का प्रारंभ होगा, और यहाँ से आप देखो पूरा उस साइड भी कितना लंबा चौड़ा ग्राउंड है। ये देखो इधर से मैं आपको पूरा घुमा के दिखा देता हूँ, बहुत भयंकर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और ये सारी चीज़ें हैं ना जो शायद दिन के लिए कोई टिकट नहीं है, सब चीज़ें निःशुल्क रहेंगी, तो आप बिल्कुल फ्री में आ सकते हैं। बाकी स्टॉल लगाई गई है खाने पीने के लिए, वो भी शायद निःशुल्क हैं या इसका मैं आइडिया नहीं है, पर निःशुल्क ही होगा जहाँ तक है बाबा के दरबार में। तो चलो दोस्तों सीधा कल मिलते हैं आपसे बाबा की कथा में। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हिंदुत्ववादी हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।